प्रिपेयर होने चाहिए। और वो चैप्टर्स भी जो थोड़े से हार्ड भी लगते हैं, टेस्ट वर्क आती है जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, पूरा पेपर फॉर्मेट दिया होता है, जिससे उस साल आप मानोगे नहीं उन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चंस आए थे। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जिसको फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है और फिजिक्स में स्कोर बहुत ही कम आते थे। और कभी भी फिजिक्स का स्कूल टेस्ट होता या फिर प्री बोर्ड्स का अनाउंसमेंट होता या हाफ ईयरलीज होती या फिर फाइनल एग्जाम्स, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। कभी भी मैं ये सोचती थी ना कि फिजिक्स का एग्जाम आ रहा है, तो मैं ये सोच में पड़ जाती थी कि मैं कैसे पढ़ूँ इस सब्जेक्ट को, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट फिजिक्स मेरा हमेशा से एक वीक सब्जेक्ट रहा है। लेकिन सम हाउ आई मैनेज टू स्कोर 95 out of 100 इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो बस मैं वो सारी टेक्निक्स तुमसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कौन सी ऐसी टेक्निक्स फॉलो करी जिसके अंदर मैंने मेरा जो वीक सब्जेक्ट था उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया। मैं कोई साइंटिफिक मेथड नहीं बताने वाली हूँ जिनको तुम एक हफ्ता लगा दो समझने में कि यार ये साइंटिफिक मेथड था क्या, जो तुम समझ ही नहीं पाओ। तो मैं तुम्हें कोई साइंटिफिक मेथड नहीं बता रही हूँ, कहीं कोई किताब से उठा के कोई जनरल चीज़ें नहीं बता रही हूँ, मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें बताने वाली हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। माय नेम इज़ एकता सोनी, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले जब मुझे ये पता चला ना कि फिजिक्स का एग्जाम इस डेट को है, तब मेरे दिमाग में भाई एकदम ऐसी हालत खराब हो गई थी कि अब मैं कैसे पढूं, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूं। जो सबसे पहली चीज मैंने फिजिक्स के एग्जाम के लिए की थी कि जब मुझे पता चला था ना कि फिजिक्स के एग्जाम की डेट ये है, उसी दिन मैं घर आई, तब अपनी कॉपी लेकर पेन लेकर सारे चैप्टर्स के नाम नोट करे, उसमें से वो सारे चैप्टर्स को देखा मैंने कि कौन से ज्यादा स्कोरिंग है, जहां से क्वेश्चंस हर बार आते हैं। ठीक है, ये आप थ्रू आउट द ईयर अगर आप पढ़ते हो ना थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता लग जाता है पीवाईक्यू सॉल्व कर करके कि कौन से जगह से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वो चैप्टर्स मेरे पहले प्रिपेयर होने चाहिए, और वो चैप्टर्स भी जो थोड़े से हार्ड भी लगते हैं मुझे, तो और शायद हो सकता है स्कोप है उसमें कि मैं थोड़ा अपने आप के लिए इजी बना सकती हूँ उसे, वो चैप्टर्स मैं पहले प्रिपेयर करती थी, क्योंकि जो मुझे आते हैं वो तो मुझे आएंगे। मेरी टेक्निक किसी भी चैप्टर को पढ़ने की सबसे पहले ये होती थी कि मैं उस चैप्टर के नोट्स निकालती थी। नोट्स जो मैंने पूरे साल में स्कूल में बनाए हैं, स्कूल में जो टीचर बनवाते हैं या फिर तुम्हारे पास खुद के बनाए हुए भी नोट्स होते हैं, उन नोट्स के अंदर तीन चीज़ें होती हैं यार। पहली चीज़ होती है जो डेफिनेशंस होती हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम्स के अंदर, बट हाँ डेफिनेशन एक पार्ट होता है जो आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। डेफिनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है एक नंबर या दो नंबर के क्वेश्चंस में, तो वो डेफिनेशन तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, उसमें तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ रटना होता है उनको। ठीक है, नंबर टू थिंग इज जो होती है वो डेरिवेशंस होते हैं, और ये जो दूसरी चीज़ है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे फिजिक्स के एग्जाम में। डेरिवेशंस तुम मानोगे नहीं, मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है डेरिवेशन को। पहले तुम उसको देखो समझो, और डेरिवेशन को डायग्राम के साथ में बना के आओ, कि डायग्राम जैसे तुम्हें स्कूल में बनाया गया है, टीचर तुम्हें कॉपी के अंदर बनवाता है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम को प्रॉपर एक्सप्लेन करो, प्रॉपर एक्सप्लेन करके फिर तुम उसको यू नो कैसे वो शुरू हो रहा है, कहाँ से वो ख़त्म हो रहा है, क्या उसमें फॉर्मूला डिराइव होकर आ रहा है। डेरिवेशंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। खुद को एक टारगेट देना शुरू करो, क्योंकि जब तक यार हम ह्यूमन बींग्स हैं, जब तक हम अपने आप को टारगेट नहीं देते ना, तो हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। हमको लगेगा यार 10 दिन है, 10 दिन के हिसाब से तो हम बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं आराम से, अगर हम आराम से भी करें तो। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो खुद को टारगेट देना शुरू करो और वो काम करना शुरू करो। तो नोट्स की कॉपी उठा के पहले तो डेफिनेशन रेडी करो, फिर दूसरा तुम्हारे डेरिवेशंस रेडी करो। डेरिवेशंस को पहले तो तुम खुद पढ़ो, फिर रफ कॉपी में लिखो, फिर उस कॉपी को बंद करो, मेन कॉपी को अपना एक टेस्ट लो कि भाई यार ये डेफिनेशन मैंने पढ़ी है, ये डेरिवेशन मैंने किया है, ये डेरिवेशन तुम खुद सॉल्व करके देखो। वो डेरिवेशन तुम जितना करने की कोशिश करोगे ना यार, मैं बता रही हूँ, मैंने लास्ट मोमेंट तक ये काम करा था। मैं जैसे मेरा फिजिक्स का एग्जाम कल है, तो मैंने आज काफ़ी सारे डेरिवेशंस जो थे ना वो रिपीट मोड पर बार बार सॉल्व किए थे, और वही डेरिवेशन जिनके ज्यादा आने के चांसेस है एग्जाम से पहले दिन। अब लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तो तुम अभी के टाइम पर डेरिवेशंस काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। नंबर थ्री चीज़ जो तुम्हारे नोट्स के अंदर होती है वो होते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस। अगर तुमने क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो फिजिक्स तो तुम्हारी है, समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए यार तुम्हारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो इसके लिए जो चीज़ मैंने करी थी वो थी कि फॉर्मूला कॉपी बना ली थी मैंने, एक सारे के सारे फॉर्मूलाज जितने भी चैप्टर्स है ना उनके चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट्स बना लो तुम्हारे पास, यानी कि शीट्स मतलब जो तुम्हारे पास कॉपी है, एक चैप्टर ला लो, जैसे कि लेट्स सपोज करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूलाज तुम एक जगह पे रख लो। फॉर्मूला ना सिर्फ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो फॉर्मूलाज तुम्हारे नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन इफ यू आर डूइंग उसमें भी बहुत हेल्पफुल होंगे। वो फॉर्मूलाज लिखकर उन फॉर्मूलाज को याद करो, वो फॉर्मूलाज में हर एक चीज क्या डिनोट करती है वो याद करो, एंड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करती थी, या तो तुम देखो कोई रेफरेंस बुक ले लो, मैंने भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक ली थी। तुम ओसवाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक लो
और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। और मैं एक अपने टाइम पर एक और चीज़ करती थी, थोड़ी सी वियर्ड है, शायद कम लोग करते होंगे, बट मैं करती थी कि जो डेस्कवर्क होती है, एक डेस्कवर्क आती है जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए होते, एक पूरा पेपर फॉर्मेट दिया होता है, जैसे कि एग्जाम के अंदर आता है पेपर, वैसा ही बिल्कुल पेपर फॉर्मेट के अंदर आपको दिया होता है, वहाँ पर खाली स्पेस दिया होता है आपको लिखने के लिए। तो मैं अपने आपको एक टाइम फ्रेम देती थी, एक अलार्म लगा देती थी खुद के लिए कि 3 घंटे का अलार्म लगा के बैठूंगी और ये पेपर पूरा का पूरा भाई सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उस पेपर को सॉल्व करने के अंदर यार बहुत सारे डेरिवेशंस भी आ जाते थे, साथ में उसके अंदर डेफिनेशन भी आती थी और क्वेश्चंस भी आते थे, ठीक है। सो उनकी प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा कर ली थी, तो पूरी की पूरी मेरी प्रिपरेशन रनिंग का अगर मैं एक शब्द में सार बताऊं तो वो है प्रैक्टिस। अभी तुम्हारे पास इनफ टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, तुम्हें लग रहा होगा नहीं है तुम्हारे पास टाइम, लेकिन है तुम्हारे पास टाइम, डोंट वरी। तुम प्रैक्टिस करो उन सब चीज़ों की, सारे डेफिनेशन की प्रैक्टिस करो, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस पता है कहाँ से करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने तुम्हें बता दिया कि जो तुम्हारे किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी रेफरेंस बुक लगा रहे हो, प्लीज़ फिजिक्स के लिए ज़रूर लगाना, एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, इनटेक्स क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, इनटेक्स क्वेश्चन जो ब्लू बॉक्स में होते हैं क्वेश्चन दिए हुए, उनको तो छोड़ के जाते, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये तो सॉल्व क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो सीबीएसई नहीं पूछेगा, उन्हीं से ही पूछेगा, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल करके जाने हैं। दूसरी चीज, तुम्हारे पास पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आई कांट इवन टेल यू। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हुए हैं जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे पास हो जाते हैं फिजिक्स में। तो तुम सोचो फिजिक्स के अंदर या फिर किसी भी सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या अहमियत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से तुम्हें एक्चुअल में ये पता चल जाता है कि यार ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है और अलग अलग वे में रिपीट हो रहा है। हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट पे बेस तुम्हें इस साल में न्यूमेरिकल पूछा गया, तो इससे पिछले साल इस कॉन्सेप्ट बेस तुम्हें एक डेरिवेशन पूछा गया हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ऐसा नहीं कि बस करके छोड़ दिया, उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस करके मैं ऐसे करती थी, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाकर, मैं एक खाली पेज लेकर उसमें सारे टॉपिक्स नोट कर लेती थी कि यार इस टॉपिक से, इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक करके एक आपका चैप्टर आता है क्लास 12th में, उसमें भी काफ़ी सारे डेरिवेशंस होते हैं, उन डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड आपके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं उनको नोट कर लेती थी। और आप मानोगे नहीं, उन्हीं टॉपिक से उस साल मेरे, जिस साल मैं बोर्ड एग्जाम दे के आई थी, उस साल आप मानोगे नहीं उन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चंस आए थे। और लास्ट मोमेंट पे मैं उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करके जाती थी जिन टॉपिक्स को मैंने उस पेज में नोट करा था कि यार इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चंस आ रखे हैं, दैट मींस कि ये टॉपिक है हॉट टॉपिक इस चैप्टर के। तो एग्जाम से पहले दिन ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े, एग्जाम से पहले दिन ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जाम से जो पहले का टाइम अभी जो चल रहा है ना, ये टाइम तुम्हारे लिए गोल्डन टाइम है। जो यूज़ कर लेगा वो अपनी नैया पार करवा लेगा, जो यूज़ नहीं करेगा बस वो बैठा ही रह जाएगा। तो यार देखो, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, आग लगा दो सारी डिस्ट्रैक्शंस के, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस वो रहेंगी तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहेगी, तुम्हारा दुश्मन है ये फ़ोन तुम्हारा, ठीक है। इसको साइड में हटा दो और जो मैं तुम्हें कह रही हूँ इसको प्लीज़ सिंसियरली फॉलो कर लो। फिजिक्स चाहे तुम्हारी कितनी भी वीक हो, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि कोई भी बच्चा अपनी फिजिक्स को स्ट्रांग बना सकता है। हर एक बच्चे के पास ये कैपेसिटी है कि वो अपनी फिजिक्स को स्ट्रांग बना पाए, और ये सारे स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने नोट्स पढ़ने हैं, दूसरी चीज़ नोट्स पढ़ने के बाद सारे डेरिवेशन जो नोट्स में है वो बिना देखे एक कॉपी के अंदर सारे डेरिवेशन लिखने की। यार इसमें 5 डेरिवेशन, तो 5ों डेरिवेशन तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, मतलब तुम अगर नहा भी रहे हो ना तो तुम गाना गाने की बजाय एक डेरिवेशन गुनगुना रहे हो। या डेरिवेशन में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो डेरिवेशन की, तो एकदम कोशिश करो कि उसको प्रेजेंट करने की अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हो साथ में, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन इज अ वेरी गुड थिंग जो तुम्हें आनी भी चाहिए, जो मैंने तो करी थी अपने एग्जाम के अंदर। पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब तुम डेरिवेशन एक किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम उसका डायग्राम भी बहुत अच्छे से मेंशन कर रहे हो, डायग्राम भी बहुत अच्छे से बना के दे रहे हो, सारी की सारी चीज़ें डिटेलिंग पूरी दे रहे हो। पेपर प्रेजेंटेशन का मेरे लिए एकदम सिंपल थिंग ये है कि एक किताब में कैसे एक डेरिवेशन को दिखाया गया है, एज इट इज़ मैं अपनी कॉपी में भी दिखाऊं, तो एग्जामिनर के पास मौका ही नहीं बचेगा कि आपका एक नंबर भी वो काटे वहां। किताब में जैसे भी आपको छोटी छोटी चीज़ें भी लिखी होती बुक के अंदर कि देखो यार ए, लेट्स सपोज आपने कहीं पे पॉइंटर्स लगाए ए बी सी, तो ए ये है, बी ए है, सी ए है,
एज इट इज तुम्हें भी अपनी कॉपी में लिख के आना है, यही पेपर प्रेजेंटेशन है। बुक जैसी बोल रही है एज इट इज अगर तुम भी कर दोगे तो फिर तुमसे बेटर किसका ही पेपर प्रेजेंटेशन होगा, राइट? वो सारी चीजों की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो, ठीक है? और अपने लिए क्वेश्चन पेपर्स जो है ना बच्चों, वो ज्यादा से ज्यादा लगाओ यार। अपनी फॉर्मूला कॉपी में जितने फॉर्मूलाज है वो तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है? और उन फॉर्मूला के ऊपर बेस तुम्हारे ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो होती है ना वो करनी शुरू कर दो प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ में। एंड किसी रेफरेंस बुक को लगा रहे हो तो उनके क्वेश्चंस भी तुम सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उस रेफरेंस बुक में मान लो तुम्हारे पास 200 क्वेश्चन है एक चैप्टर के जो तुम कर ही नहीं पा रहे हो, और मान लो कि तुमने एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन कर दिए और तुम्हारे पास अब इतना टाइम नहीं कि तुम बाकी के चैप्टर्स पे प्रैक्टिस कर पाओ, तो वो कोई सेंसलेस बात हो जाएगी। तो तुम वही सारी प्रैक्टिस करो कि जो तुम्हारे लिए तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुम वही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि सेम ही टाइप के क्वेश्चंस आप बार बार लगाए जा रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आपके पेपर को किस तरीके से तैयार करना है ये तो ये बात रही। अब दूसरी चीज़ आ जाती है वाइवा की। तो वाइवा के लिए यार मैंने क्या किया था ना यार, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो जनरली जनवरी में शुरू हो जाते हैं, उससे पहले आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है आपके स्कूल लैब्स में ले जाके। तो हमको भी ले जाया जाता था एक नॉर्मल क्लास की तरह, हम भी जाते थे वहाँ पर। ये 9 या 10 एक्सपेरिमेंट्स हमें याद करने होते थे। आप मानोगे नहीं, मैंने एक एक एक्सपेरिमेंट को इतना अच्छे से करके देखा वहां पर, करके देखने के बाद में उसको प्रेजेंट करना। मैं बार बार बोल रही हूं, बोर्ड एग्जाम्स में जो बच्चा प्रेजेंट करना चाहता है पेपर को, वो दिल जीत लेता है यूं एग्जामिनर का। तो वो प्रेजेंट करना मुझे आ गया था। मैंने अपना ही नहीं, एक अपने पास में रोल नंबर किसी का था, मेरी क्लासमेट का था, उसका भी मैंने ही पेपर प्रेजेंट करके दिया था। एंड ट्रस्ट मी, उसके प्रैक्टिकल्स में उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और मेरे भी आउट ऑफ आउट मार्क्स आए थे। सो यार यही सारी चीज़ें हैं। तो आपके वाइवा में भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत आपसे फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं, आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती, तो उन पर अभी से काम करना शुरू कर दो। बिकॉज सेप्टेम्बर गया ऑलमोस्ट, अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर के अंदर तुम्हारे मे बी दिसंबर या जनवरी में प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी जो 2 महीने हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों पे काबू पाके और अपना यार जी जान लगा के मेहनत कर दो, और 70 में से 70 आएंगे ये मैं लिखवा के दे देती हूँ तुम्हें। ये सारी स्ट्रैटेजीज तुम फॉलो कर लो, बस खाली डेरिवेशन फॉलो कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉलो कर लो, दैट्स इट। इतनी सी चीज़ मैंने अपने एग्जाम के अंदर करी थी यार, देखो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे जबकि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। और ऐसे भी मेरी क्लास में बच्चे थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि हाँ यार ये तो टॉप करेंगे ही करेंगे, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मेरे आ गए थे। तो यही सारा रीज़न था जो मैंने आपको बताया। ये सारी ट्रिक्स फॉलो करने के बाद में आपको क्या रिजल्ट्स मिले मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ 1 महीने तक ये सारी चीज़ फॉलो करके देखना, आपको 1 महीने में इतना चेंज दिखेगा अपने अंदर, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके कि यार फिजिक्स का पेपर तो सबसे आसान होने वाला है, फिजिक्स का पेपर हम कर ही देंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट हेल्प्स, एंड प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। जिन जिनको फिजिक्स से डर लगता है प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बात बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, ताकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं फिजिक्स की वजह से, खुद को बहुत इन्फीरियर महसूस करते हैं, बाकी लोगों को फिजिक्स आती होती है उनको नहीं आती होती है, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि यार मुझे भी नहीं आती थी बट स्टिल मैंने स्कोर किया, जो कि सबके लिए अनबिलीवेबल था। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी के ऊपर चाहिए, या नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। बाय, टेक केयर।